आपने वो गाना सुना है, राउंड एंड राउंड द गार्डन लाइक अ टेडी बेयर. क्यों ऐसे गाते हैं? क्योंकि जो टेडी बेयर्स हैं ना, इनको राउंड एंड राउंड घूमना बड़ा पसंद है. तो एक काम करते हैं, इन्हें राउंड एंड राउंड घुमाते हैं, पता है कहाँ? लखनऊ में. वहाँ पे वो जो सब टीवी पे नया सीरियल आ रहा है मैडम सर, वहाँ पे उनसे भी मिला देते हैं. देखते हैं कि मैडम और सर की कहानी क्या, इन दोनों टेडी बेयर्स की तरह क्यूट है, और इन्हें राउंड एंड राउंड भी घुमा देते हैं लखनऊ में. आप भी आ जाइए ना. नवाबों का शहर लखनऊ, और लखनऊ में आ गई है मैडम सर की टोली. टोला का टोला, छियालीस की छाती, सीधी बात बोलूं. भाई ये है मैडम मलिका, जो सुबह सुबह लखनऊ की गलियों में कर रही है एक्सरसाइज. और फिर तैयार व्यार होकर बन गई इंस्पेक्टर साहिबा मैडम, जिनके गैंग में शामिल है कड़क करिश्मा, सैसी संतोष और पुष्पा जी. और ये सारी दबंग पुलिस वालियां आज लखनऊ शहर से लेकर पूरे देश में बचाने वाली है हल्ला, क्योंकि ये है मैडम सर की टीम, जो है लखनऊ वाली. सास बहू बेटियां पहुंच गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर जमा हुई है सब टीवी के सीरियल मैडम सर की टीम. भाई ये कहानी लखनऊ की है, इसलिए सीरियल के सारे कलाकार रंग गए हैं लखनऊ के अंदाज में. ये सीरियल कहानी है चार पुलिस वालियों की, जिनमें शामिल है मैडम मलिका, हसीना मलिक यानी गुलकी जोशी, जो अपनी तीन साथियों के साथ तरह तरह के केसेस सॉल्व करती हैं. इनके गैंग में शामिल है कड़क करिश्मा यानी युक्ति कपूर, और इनके साथ ग्लैमर का तड़का डाल रही है सासी संतोषी यानी हमारी जीजी माँ की बहना भाविका, और इन सब के साथ कदम से कदम मिला रही है पुष्पा जी यानी सोनाली नायक, जिन्हें आपने इससे पहले गठबंधन में माई के रूप में देखा था. भाई कैसी होती है इन सभी की लखनऊ में सुबह, कैसे होते हैं तैयार, और शूटिंग के बाद कैसे लखनऊ की चाट इन्हें कर देती है गुलरेज, ये सब जानने के लिए आज सास बहू और बेटियां मैडम सर की टीम के साथ पूरा एक दिन बिताएगा. तो सीधा चलते हैं लखनऊ के इस ताज वाले लोकेशन पर, जहां मैडम सर यानी गुलकी जोशी कर रही है हमारा इंतजार. मैं हूं गुलकी जोशी, वेलकम टू सास बहू और बेटियां. हम हैं लखनऊ में, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा शहर है. आज हमारा यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम यहाँ शूट भी कर रहे थे, बड़ा मज़ा आया. इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, इट्स वेरी कोल्ड, बहुत ठंड लग रही है. हम बम्बई वालों को तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी यहाँ. भाई गुलकी को मैडम सर बनने के लिए काफ़ी फिट दिखना ज़रूरी है, इसलिए सुबह सुबह सबसे पहले वो दौड़ लगाती है, फिर योगा करती है, और फिर एक्सरसाइज करती है. जरा चला जाए, जरा नीचे घूमा फिरा जाए, देखा जाए कि कितना खूबसूरत शहर है. मौका मिले तो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, थोड़ा सा योगा किया जाए, जो कि सेहत के लिए, आपकी मसल्स के लिए, आपके मन की शांति के लिए बहुत ज़रूरी है. प्लीज़ प्लीज़ जब भी मौका मिले थोड़ा बहुत ही सही कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करें. एंड दैट्स इट, लेट्स बिगिन. वैसे लखनऊ की सुबह ने इनको थोड़ा सा शायराना भी बना दिया. अब जरा चलते हैं गुलकी के कमरे में, जहां उनकी सहयोगी कड़क करिश्मा यानी युक्ति कपूर अभी भी सो रही है. ये वो ऐसे ही देखो, ये ऐसे ही खतरनाक है, और सब ऐसे ही खतरनाक है भाई साहब. ऐसे ही चलेगा हमारा ऑन स्क्रीन तो मतलब ये हमारी मैडम मलिका और मैं, मतलब हमारी दबंग करिश्मा है, लेकिन ऑफ स्क्रीन हम ऐसे ऑफ स्क्रीन एक्चुअली मैं ज्यादा दबंग हूँ और ये ज्यादा सभ्य समझदार है. हम दोनों उल्टे और हम एक्चुअली एक दूसरे को बोलते हैं. एक बार मेरी लाइन बोल के दिखाना, एग्जैक्टली वे में कैसे बोलते हो, हम ऐसे हैं. तो हम दोनों के लिए तो मतलब ऐसा ऑपोजिट चैलेंज हो गया कि मेरी पर्सनालिटी का रोल उसे मिल गया और उल्टा हो गया. तो हम बहुत गॉड कि हम दोनों ही हैं, कि हम दोनों एक दूसरे को हेल्प की हेल्प कर देते हैं. यस, so good, this is the fun, this is the love. तो चलिए अब हम लोग प्लीज रेडी होते हैं. अब प्लीज रेडी होते हैं माँ मेरी.
युक्ति और गुल्कि इस सीरियल की शूटिंग के दौरान बड़ी अच्छी सहेलियां बन गई हैं। इनकी सुबह की शुरुआत एक दूसरे के साथ होती है। आज इन लड़कियों का मूड है कि सुबह सुबह लखनऊ की चाट नाश्ते में खाई जाए। भाई किसने कहा है कि चाट का कोई वक्त होता है, कभी भी चाट खाओ। इसलिए मैडम सर की बाकी लेडीज ने भी सबको ज्वाइन किया और ये निकल पड़ी लखनऊ की चाट खाने। भाई भले ही पर्दे पर ये पुलिस वाली बनी हो, लेकिन इन्हें नाचने गाने का बहुत शौक है। लखनऊ होटल से ताज से निकल के बाहर आ चुके हैं और अभी हम पार्टी के मूड में हैं, पिकनिक के मूड में हैं, तो कुछ गाना गाते हैं। क्या गाना गाने का मन कर रहा है, बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। मामा 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 सो स्मार्ट नो। मैं शायर तो नहीं, अलग ही हो गया गाने मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। बाबा 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 इमली का बुट्टा मेरी कबे, हाय इमली खट्टी मीठी बेर, हाय इस जंगल में हम चारों शेर। चल एयरपोर्ट, जल्दी हो गई देर। नाश्ते गाते हम पहुंचे लखनऊ के रॉयल कैफे में, जहां की चाट बड़ी मशहूर है। रॉयल कैफे में हम यहां पे आज सारी चाट वगैरह ट्राई करेंगे। वैसे तो हम सब बड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं, बट व्हेन यू आर इन लखनऊ, ईट व्हाट लखनऊ नीड्स इट। यस, चलिए क्या क्या है, बहुत कुछ है। आलू की टिक्की है, कबाब जैसा कुछ दिख रहा है, चाट वाट बहुत सारी कुछ कुछ है, बहुत कुछ दिख रहा है यहाँ पे, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप क्या खाना चाहेंगे? आलू टिक्की है बराबर, और ये क्या है? नींबू मटर। मटर कि मटन? वेज है सब, मटर। अच्छा ये क्या, चलो है? देखते हैं ये मटर की है। मटर मटर दोनों एक एक बना दीजिए। चलो आलू टिक्की खाने आए हैं और आप देख सकते हो आगे पीछे सब भरा हुआ, कितने सारे लोग हैं यहाँ पे यार, मतलब कितना अच्छा मिलता है। बहुत फेमस है, सबसे पुराना और फेमस है रॉयल कैफे लखनऊ का। देखो हम सब ना बड़े आलसी लोग हैं, हमें से कोई बनाएगा नहीं, हम सबका जब मन करेगा तब हम टिकट कटाएंगे, यहाँ आ जाएंगे और खा लेंगे। हम जब से लखनऊ आए हैं तब से सिर्फ यही खा रहे हैं, सिर्फ फ्राइड। तो जरा हो जाए चाट का एक एक जायका। अरे ऊपर चिपक गया सब। वो मटर की टिक्की कुछ है, वो धनिया मिर्ची और चाट मसाला, जीरा पुर चाट मसाला और मस्त दही। ये जीरे का टेस्ट है और ढेर सारा लखनऊ का प्यार। इन लोगों को कुछ नहीं पता, थोड़ा बहुत खाना मैं बना दूँ। हाँ मैं भी बना तू खाना मत खाओ फिर मत खाओ, मैं खत्म कर देती हूँ। भाई चाट खाने के बाद दोनों वापस अपने होटल में पहुंचे, जहां वक्त है रेडी होने का। चलिए अब टाइम हो गया है तैयार होने का, टू चेंज इनटू हसीना मलिक। चलते हैं सीधा गुल्की और युक्ति के कमरे में, क्योंकि दोनों ने अपनी पुलिस वाली ड्रेस पहनी है। इसके बाद थोड़ा मेकअप शेकअप। ये जो है मेकअप चल रहा है मेरा, आई शेडो लगा रही है, बहुत कम है, बहुत हल्का मेकअप है, क्योंकि हमने लुक को एज नेचुरल और एज रियल रखने की कोशिश की है। तो बहुत हल्का फुल्का मेकअप है, बट हमारे दादा कमाल के हैं, हम सब कुछ हम धूप में पसीने में धूल मिट्टी में शूट कर करके जो हो गए हैं उनको ये बहुत अच्छे से छुपा देते हैं। I'm ready, all set and prepared.
पर युक्ति और गुलकी तो रेडी हो गई, लेकिन मैडम सर की टीम तो सबके साथ पूरी होती है, तो युक्ति और गुलकी को ज्वाइन किया सोनाली और भाविका ने, और ये चारों दबंग लेडीज तैयार है सभी लखनऊ वासियों को चौंकाने के लिए। सोनाली नायक, नमस्कार। मैं हूँ कड़क करिश्मा, युक्ति कपूर। मैं हूँ सैसी संतोष, भाविका शर्मा। और मैं हूँ मैडम मलिका, गुलकी जोशी, हसीना मलिक। मैं बहुत फूडी हूँ और ये लोग थोड़े से ऐसे नखरे वाले हैं, पर मैं सब करती हूँ कि नहीं नहीं ये ट्राई करते, नहीं नहीं वो ट्राई करते, अरे यार लखनऊ आए हो ये तो खाओ वो तो खाओ, बट ऑल ऑफ देम आर वेरी स्पॉटी। हाँ, जो यहाँ के मॉन्यूमेंट्स बोल सकते हैं हम, रूमी गेट है, अंबेडकर पार्क है, इमामबाड़ा है, वहाँ पे हमने सभी जगह पे शूटिंग्स किए हैं, बहुत मज़ा आया। लखनऊ के लोग बहुत प्यारे हैं, हमको छोड़ ही नहीं रहे थे इसलिए शूट के टाइम पे भी बहुत मशक्कत करनी पड़ी, मगर हाँ अच्छे से हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो पुलिस है उन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया और हम शांति से शूटिंग कर पाए। तो तब हमने देखा कि पुलिस कितनी दबंग है, हमारे कड़क करिश्मा जैसी है, जैसे ही वो आते थे, रियल पुलिस जब आती थी सारे लोग ऐसे करके पीछे हट जाते थे, उनको देख के किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सब झोंक 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 के झांक झांक के देख रहे क्या चल रहा है, डंडा दिखाओ ये दिखाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे ही असली पुलिस आए वो सिर्फ चल रहे थे और सब हट गए, सब आके सिर्फ उन्होंने क्या बोला, वो आए That's all he said, और सब फटफट 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 करके पूरा 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 सब क्लियर एंड वी आर लाइक माफी करूंगी जब हम शूट करेंगे तो इतनी जोर से है बोलेगी सामने वाला गिर गया नहीं गिरता हूं। लेकिन उससे पहले जरा कुछ मस्ती के पल भाई देखा जाए कि आखिर ये पुलिस वालियां कितनी ताकत रखती हैं। हम नहीं कर पाएंगे, हम जब से लखनऊ में आए सिर्फ खा रहे हैं। फुल चीटिंग की, दोनों हाथ इस्तेमाल किए। यस वाओ, मैंने अभी रसमलाई खा ली, मैंने यहाँ से वाले रसमलाई खा ली, मीठा खाया पहली बार मैंने, मीठा कम खाती हूँ, और बहुत कुछ है यार। हाँ चलो खाते हैं, अब तो बहुत भूख लगी, अभी तक मैंने देखा नहीं है, अब जो भी होगा खा ले अब वक्त है लखनऊ वासियों से बात करने का। पूरे दिन की भागम भाग के बाद अब वक्त है लंच का, तो देखिए लंच में क्या खा रही है मैडम सर की ये टोली। ओहो, लखनऊ के दूध की बात ही अलग है। आपको खानी, आपको खानी, आपको खानी। लंच के बाद थोड़ी और गपशप, और अब वक्त है वापस मुंबई जाने का, क्योंकि मैडम सर की शूटिंग लखनऊ में खत्म हो गई, अब वापस मुंबई में होगी जमकर शूटिंग। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा लखनऊ आके, थैंक यू सो मच। तो उम्मीद है लखनऊ में मैडम सर और इस पूरी टीम के साथ ये डे आउट देख कर आपको लखनऊ के बारे में और मैडम सर के कलाकारों के बारे में बहुत सारी बातें पता चली होगी, जो आपको बतलाई आपके फेवरेट शो सास बहू और बेटियां ने। बड़ा मजा आया सास बहू और बेटियां की टीम के साथ ये सफर तय करने में, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत मजा आया। विशाल शर्मा, लखनऊ आज तक।